जो बड़े स्टार हैं वो रात भर पार्टी करते हैं, सुबह 4:30 बजे जब वो घर जा रहे होते हैं, आप सुबह 4 बजे उठ के 4:30 बजे काम के लिए निकल रहे होते हैं। मेरे को ऐसा पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे यहाँ गलत चीजें सिखाने के लिए बुलाया गया। अक्षय कुमार प्रोड्यूसर को पहले कह देता है कि मेरी 80% फीस पहले दे दो, बाकी फिर देखा जाएगा फिल्म चले ना चले। नहीं, ये गलत बात है क्योंकि सारी फिल्में मैंने प्रोड्यूस की, अनलेस एंड मैं खुद को कह देता हूँ आईने में जाके। तो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, खुद ही एक्टिंग करते हैं, खुद ही कमाते हैं, खुद ही घर चले आते हैं। पहले अपनी हीरोइंस के साथ के आपके रोमांस के किस्से आते थे, अब आपकी हीरोइंस के साथ झगड़े के किस्से आते हैं। प्रियंका चोपड़ा के साथ खटपट हो गई, सुने? कुछ नहीं हुआ। कौन है आपका खबरी? ये तो वो खबरें हैं जो मैगजीन्स में। मैगजीन मत पढ़ा करें, ये लाइए। ये मैगजीन है, मैं फेंक दूं, कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, बड़ी बेकार चीजें होती है। इन्होंने कई लोगों का घर तबाह किया हुआ है। सच कह रहा हूँ। तो आपको लगा कि कभी आपका घर भी तबाह कर सकती है ये मैगजीन? तो कर ही नहीं सकती, तो मेरे घर के लिए तो हास्य कथा है। लेकिन ये क्या लेकिन अगर आपका इतिहास देखे तो लगता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हज को तो चली ना, हज तो जा रही है। सर आज एक मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। आपके स्टिंग ऑपरेशन से हमारा बॉलीवुड बड़ा डरता है, ऐसा क्यों डराते हैं हम बॉलीवुड वालों को? ऐसा अपने काम क्यों करते हैं बॉलीवुड वाले जो डरे किसी से? आपके ऊपर एक आरोप है कि विदाउट अ लॉ डिग्री यू हैव बिकम अ लॉयर ऑफ द नेशन। जो आपकी अदालत प्रोग्राम बड़ा बना है, ये मेरी वजह से नहीं बना, उन लोगों की वजह से बना जो आपकी अदालत में आते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, और उनसे भी ज़्यादा इस जनता की वजह से जिसने इतना प्यार किया।